कम एवरीवन आप सबका स्वागत है फेरी ब्लॉग चैनल में तो मैं आज आपको बता दूं कि आज मैं बनाने जा रही थी बहुत ही मजेदार से डिश बिल्कुल आपको मेरे थंबनेल और छोटे से इंट्रो से पता चल गया होगा जैसे मैं हमेशा डालती हूं अपनी वीडियोस में आज मैं बना रही थी फिश और फिश दो तरीके की बनाऊंगी अभी तक तो एक तरीके की जो फिश बनाना है वो आ चुकी है काली पॉपलेट करके मम्मी ने मुझे उसका नाम सजेस्ट किया आई डोंट नो कि उसको वही रियल में बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं बट बड़ी मजेदार सा मैं सालन बनाती हूँ उसके साथ बनाऊंगी एकदम देहाती स्टाइल में राइस मतलब है ना पूरा वो छान के राइस बनाती हूँ जब भी मैं मच्छी का सालन बनाती हूँ ना तो ये वाला राइस खाना मुझे बहुत पसंद होता है और आप यकीन मानो ये राइस ना बहुत अच्छा भी लगता है बहुत टेस्टी भी लगता है और मुझे ना पर्सनली ये राइस ना बहुत पसंद है तो मैंने क्या करी ना वो राइस निकाली हूँ मैं आपको दिखाती हूँ वो ज्यादातर आपको राशन की दुकान पे या किनारे स्टोर में किराने स्टोर में मिल जाते हैं तो मैं आपको बता दूँ आज मैं बना रही हूँ एक फिश फ्राई एक फिश की ग्रेवी जो बहुत ही टेस्टी खट्टी सी एकदम में मसालेदार बनाती हूँ मच्छी का सालन बोल लो और उसके साथ राइस आ, स्टीम किया हुआ राइस जो बहुत बढ़िया से रहता है तो झटपट सी रेसिपी या फटाख से स्टार्ट करते हैं बहुत मज़ा आने वाली वीडियोस बनाने में भी और मेरे मुंह में तो अभी से रहा है मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है कि कब रेसिपी रेडी होगी और कब मैं खाऊंगी क्योंकि मुझे फ़िश पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है आपको पसंद है कि नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना चलिए जल्दी से वीडियो है ना स्टार्ट हैं। तो सबसे पहले हम बना लेंगे राइस राइस ना हमेशा मैं ना मोटा वाला वो राशन का राइस जो होता है ना ये आजकल किराना स्टोर में भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है तो वही यूज़ करती हूँ क्योंकि चेन्नई वग़ैरह में अगर आपने मोस्टली कभी कुछ खाया होगा तो आपको पता होगा वहाँ पे एक ना मोटा राइस चलता है एंड इससे ना इतना अच्छा मच्छी में टेस्ट आता है ना ये राइस के साथ मतलब मच्छी का जो टेस्ट होता है ना वो एकदम बढ़ जाता है तो यहाँ पे मैंने तीन ग्लास के जितना ली हूँ इसे मैं पानी में अच्छे से वॉश कर लूँगी ताकि नीट एंड क्लीन हो जाए फिर उसके बाद ना मैं चार से छः ग्लास में पानी ऐड करूँगी और पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरीके से बॉईल कर लूँगी आप जब भी ये वाला राइस बनाए ना तो पूरा पानी को आप सोक ना करें इसे ड्रेन करके बनाए मतलब इसका जो पानी है ना वो बिल्कुल निकाल ले इसे आपको नाइन्टी फाइव परसेंट तक कुक करना है फाइव परसेंट जो राइस है ना हम इसे दम में कुक करेंगे और दम में कुक करने के बाद क्या होता है ना थोड़ा सा अच्छा सा सॉफ़्ट और स्टिकी हो जाता है जो बहुत अच्छा लगता है बहुत टेस्टी लगता है मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया तो थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर सकते हो अब इसे मैं क्या कर रही हूँ ना नाइनटी फाइव परसेंट के जितना कुक कर ले रही हूँ तो इसके अंदर काफ़ी देर से जो बॉयलिंग है ना स्टार्ट हो गई है ना और लगभग मेरा जो राइस है ना एटी के करीब यहाँ पर कुक हो चुकी हो चुका था तो मैंने सोची ना और इसे टेन टू फिफ्टीन मिनट्स कुक करती हूँ उसके बाद क्या करूँगी इसका जितना पानी है ना पूरा निकाल दूँगी एंड इसे स्टीम कर लूँगी तो राइस को आप कभी भी हाथों की मदद से चेक कर ले कि वो कितना कुक हुआ है कितना नहीं कुक हुआ है बस यहाँ पे इतने ही लेवल पे जो था मुझे राइस चाहिए था पूरा पानी जो है निकालने के बाद इसे मैं क्या कर रही हूँ दम दे रही हूँ और दम देने के बाद इसे अच्छी तरीके से दम देना ताकि बिल्कुल भी कच्चा ना रहे राइस यहाँ पे मेरा 95 परसेंट अच्छी तरीके से कुक हो गया और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये वाला आप जब भी राइस बनाएं थोड़ा सा स्टिकी टाइप में बनाएं क्योंकि ये है ना स्टिकी टाइप में रहेगा ना तभी आपको मच्छी के साथ फ्राई बोलो या दाल फ्राई बोलो या तो मच्छी का सालन बोलो उसके साथ मज़ा आएगा तो अब इसे मैं क्या करूँगी भरपूर दम दे दूँगी कम से कम पंद्रह से सत्रह मिनट के लिए एकदम अच्छी तरीके से दम दे दे कि राइस जो है ना आपका एकदम बेहतरीन तरीके से रेडी हो जाए तो आफ्टर फिफ्टीन टू तो सेवनटीन मिनट दम देने के बाद यहाँ पर मेरा जो राइस है एकदम बेहतरीन तरीके से हो गया है रेडी बिल्कुल इसको मुझे और ज़्यादा कुक नहीं करना और आप देख सकते हो काफ़ी स्टिकी रेडी हुआ है इसे आप अगर इस तरीके से दाल फ्राई और फिश फ्राई के साथ इंजॉय करोगे ना बड़ा लजीज टेस्ट आने वाला है अगर आप इसको मच्छी के सालन के साथ भी इस तरीके से राइस खाओगे ना तो बहुत ही लजीज सा टेस्ट आने वाला है अब यहाँ पर है ना मैं यूज करी सबसे पहले तो कोकम अगर आपके पास कोकम का पानी अवेलेबल हो ना आप यूज़ कर सकते हो और नहीं होना तो आप इस तरीके से कोकम ले ले क्योंकि मैं फ़िश फ्राई में भी कोकम यूज़ करने वाली हूँ और ग्रेवी में भी तो यहाँ पर मैंने ना हाफ़ ग्लास के जितना पानी ऐड कर दिया और कोकम को अच्छी तरीके से सोक करने के लिए रख दी अब यहाँ पर मैंने दो तरीके की मच्छी ली हूँ इसे मम्मी ने कहा है कि इसे बहकी बोलते आई डोंट नो आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना मैं इन सुधार लाऊंगी अपनी इसमें बातों में एंड इसे ना काली फ़िश पॉपलेट समथिंग मम्मी ने कुछ तो कहा था तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं क्या करूँगी दोनों मच्छी को अच्छे से वॉश करूँगी क्लीन करूँगी बट यहाँ पर मैंने क्या करी हूँ ना भैकी में जितनी मुंडी वगैरह थी ना उसे मैं फ्राई नहीं करने वाली थी तो इसके लिए ना उसे मैंने क्या करी ना काली वाली जो मच्छी है ना उसके अंदर ही ऐड कर दी जितनी फ्राई करने की मच्छी थी उसे मैंने अलग कर ली और इसके पीसेस भी आप देख सकते हो कितने हैवी है और कितने मज़ेदार है इतना मज़ा आने वाला है इतना मच्छी खाने के लिए बाय द वे ये मैंने मुमरा की फ़िश मार्केट से लाई हूँ बहुत टाइम मैंने मुमरा की फ़िश मार्केट पे वीडियोस बनाई हूँ आप जाके चेकआउट कर सकते हो बहुत सस्ती सस्ती मच्छी मिलती है जब तक मेरी मच्छियाँ दोनों भी क्लीन हो रही थी ना यहाँ पर मैंने क्या करी ग्रेवी के लिए एक पेस्ट बना ली जिसमें मैंने टमाटर प्याज हरी मिर्ची ले ली हूँ ये नॉर्मली मसाला है मेरा फिर इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी ड्राई कोकोनट ड्राई कोकोनट यहाँ पे नहीं बोलेंगे इसे इसे कोकोनट बोलेंगे जो गीला वाला कोकोनट होता ना पूरा एक अच्छा बड़ा वाला मैंने यहाँ पे यूज़ की हूँ फिर इसके अंदर ना मैं एक चम्मच के जितना सफ़ेद तिल बोलते इसे वो यूज़ कर दूँगी अगर आपके पास खसखस मतलब वो वाइट कलर वाली खसखस होती है ना वो भी आप इसमें बिल्कुल ऐड कर सकते हो फिर इसमें मैंने एक चम्मच के जितना अदरक लहसुन का पेस्ट डाली हो हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो फिर उसके बाद आप क्या करें अच्छी तरीके से एकदम बारीक पेस्ट बना ली मसाला जब तक मेरा रेडी हो रहा था मैंने क्या करें यहाँ पे मच्छी को सोची कभी भी मैं ना कच्ची मच्छी का सालन बहुत कम बनाती हूँ मुझे हमेशा ना मच्छी फ्राई की भी ही सालन में पसंद आती है तो यहाँ पर मैंने एक बड़े से प्याले में ना नमक रेड चिल्ली पाउडर और हल्दी ले ली और बाकी मुझे कुछ भी इसमें अभी ऐड नहीं करना है अब अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ऐड करना है तो आप यार कोकम का पानी या तो फिर हल्का सा नॉर्मली वाटर ऐड करें उसके अलावा आपको कुछ ऐड नहीं करना है यहाँ पे मेरी जो फिश है बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो चुकी थी तो मैंने क्या करी डायरेक्ट फ़िश ही को ऐड कर दी क्योंकि फ़िश का जितना भी मॉइस्चर रिमूव हो गया छोड़ेगा तो उसमें जो मेरा मसाला है अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा तो यहाँ पर इसके लिए मैंने पानी वगैरह का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की इसे आप अच्छी तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर ले और मिक्स करने के बाद दस से पंद्रह मिनट क्या करें आप इसे अच्छे से रेस्ट होने दें ताकि जो फ़िश है ना आपकी उसमें मसाला बहुत अच्छी तरीके से लग जाए फ़िश को मैरिनेट करने के बाद ना मैंने क्या करी पंद्रह मिनट के लिए साइड में रख दी फिर मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली जिसे मैंने अच्छी तरीके से हीट कर ली अच्छा इसी में ना मैं फ़िश को फ्राई भी कर लूँगी जिसकी मुझे ग्रेवी बनानी है और उसी में मैं मसाले को भगाड़ भी दूँगी और जो मैंने फ्राई करने के लिए फ़िश रखी उसे मैंने अभी तक मैरिनेट नहीं की हूँ उसे मैं बाद में मैरिनेट कर मैरिनेट करूँगी सोचा आपको एक एक रेसिपीज़ की जो है ना डिटेल्स में वीडियो देती जाऊँ तो यहाँ पर मैंने अच्छा ना तीन से चार चम्मच के जितना अच्छा मसाला के लिए तेल जो है कढ़ाई में ले ली हूँ अब इसमें क्या करूँगी सबसे पहले जो मेरी फिश है उसे मैं अच्छी तरीके से एकदम फ्राई कर लूँगी अच्छी क्रिस्पी फ्राई करना है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है यहाँ पे मैं ना डायरेक्ट फ्राई कर रही हूँ मसालों के साथ अगर आप कुछ ना आप इसमें आटा रवा कुछ अच्छी तरीके से कोटिंग जो है ना कर सकते हो तो यहाँ पे मुझे कोटिंग की ज़रूरत नहीं थी ये ऐसे ही काफ़ी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे तो मैंने क्या कर ली ना इसे काफ़ी अच्छी तरीके से ऐड कर दी और गैस का जो फ्लेम है ना वो बिल्कुल मेरा हाई पे है हाई पे क्या करूँगी ना मैं इसे अच्छी तरीके से फ़्राई कर लूँगी ताकि दोनों साइड से ना जो मेरी फ़िश अच्छी तरीके से कुक हो जाए और बहुत टाइम नहीं लगता मैं आपको बता दूँ ना दो से तीन मिनट में देखिए यहाँ पर फ़िश जो है मेरी रेडी हो चुकी है हल्की हल्की स्टिक होती है तो डरने की कोई बात नहीं है वो निकल भी जाएगी तो यहाँ पर देख लो आपको मैंने स्पून की मदद मतलब से जो फ़िश है उसे काफ़ी अच्छे से फ़्राई कर ली हूँ और बस अब इसे मैं बाहर निकाल लूँगी एक एक करके यहाँ पे ना मैंने सारी फ़िश को फ्राई कर ली हूँ जो मैंने ग्रेवी बनाने के लिए निकाली थी अब यहाँ पे वही तेल में मैंने थोड़ी सी राई और थोड़ी सी यहाँ पे मेथी का दाना जो है मेथी का दाने की क्वांटिटी ने बहुत कम रखे और एकदम फ्रेश वाला करी लिव्स यहाँ पे मैं यूज़ करी जितना फ्रेश करी लिव्स होगा ना उतनी मज़ेदार ग्रेवी में खुशबू आएगी मेथी दाना बिल्कुल याद से आप एक से दो या तीन चार डालें उससे ज़्यादा बिल्कुल ना डालें फिर मैंने आधा चम्मच जी ना हल्दी लाल मिर्ची डाली हूँ ताकि ऑयल में ना अच्छी तरीके से एकदम फ्राई हो जाए एंड ज़्यादा यहाँ पर आपको फिर भूनना नहीं पड़ेगा अगर आप डायरेक्ट ऑयल में ना हल्दी और लाल मिर्ची डाल दोगे फिर यहाँ पर ना जो मैंने ऑलरेडी आपको एक मसाला बनाना बताई थी अभी थोड़ी देर पहले वो मसाले को ऐड कर दी हूँ हाई फ्लेम पे तीन से चार मिनट एकदम अच्छी तरीके से भून लूँगी ताकि जो ग्रेवी है ना काफ़ी अच्छी तरीके से मेरी भून जाए एंड काफ़ी अच्छी तरीके से एकदम उसके अंदर टेस्ट आए Uh, मसालों में से ऑयल आना स्टार्ट हो गया तो समझ जाइए कि आपका जो मसाला है ना वो रेडी हो अब यहाँ पे मैं मसालों को कंटिन्यू भूनते चली जा रही हूँ इसके अंदर मैं क्या करूँगी ना जो मिक्सर के जार में ऑलरेडी मसाले लगे हुए थे तो उसमें पाव गिलास के जितना पानी डालें ज़्यादा बिल्कुल पानी आप ऐड ना करें एंड देन फिर क्या करें आप उसको भी ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मसालों को भून लें यहाँ पे मसाला जब आपका अच्छी तरीके से भून जाए उसमें से ना काफ़ी अच्छी तरीके से तरी स्टार्ट हो जाए क्योंकि जब अगर आपको लगता है कि मसालों में से तरी स्टार्ट हो गई है तो समझ जाइए आपका जो मसाला है ना काफ़ी अच्छी तरीके से एकदम भून चुका है तो यहाँ पे जो मेरा मसाला है काफ़ी अच्छी तरीके से एकदम एक भून रहा है अब मैं क्या करूँगी इसके अंदर थोड़ा सा खट्टेपन के लिए क्योंकि हमेशा जब भी मैं फ़िश की ग्रेवी या फ्राई करती हूँ तो उसमें ना मैं थोड़ा सा खट्टापन डालती हूँ तो यहाँ पे मैंने दो से तीन खटाई यूज़ की हूँ और ये एकदम खट्टी वाली खटाई थी इसके लिए क्वांटिटी कम रखी हूँ अगर ज़्यादा खट्टी वाली का, मतलब आपके पास खटाई है तो क्वांटिटी कम रखे ज़्यादा ना डालें अब इसमें मैं एक से डेढ़ गिलास के जितना पानी डालूंगी मसाला एक बार आप ना उंगलियों से टेस्ट कर ले कि भूना है या नहीं भुना है मैंने तो काफ़ी अच्छी तरीके से पाँच से दस मिनट जो अपना मच्छी का मसाला है उसे भूनी हूँ फिर पानी ऐड करने के बाद इसके हम इसके अंदर मैंने थोड़ा सा कोकम का पानी ऐड कर दी हूँ कोकम का पानी ऐड करने से क्या होता है ना एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है थोड़ा तो सा मच्छी का सालन ना मुझे खट्टे टाइप में पसंद है अगर आपको ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद है या तो आप मतलब ड्राई मैंगो यूज़ करें या तो फिर आप कोकम का पानी यूज़ करें थोड़ा सा मैंने नमक भी ऐड कर दी थी क्योंकि नमक मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कम है इसके लिए मैंने नमक भी ऐड कर दी थी उसके बाद जितनी भी फ़िश फ्राई थी जो मैंने फ़िश को फ्राई करके रखी थी उसे भी ऐड करके क्या करी मैंने अच्छी तरीके से एकदम कुक कर ली अब यहाँ पर ना जो मेरा मच्छी का सालन था वो रेडी हो गया था अब यहाँ पर मैंने क्या करी ना अपनी जो मच्छी थी जिसे मुझे फ्राई करना था बहकी को तो उसका जो मैरिनेशन का था यहाँ पर मैंने सोचा करके रख लेती हूँ तो मैंने ना एक बड़ी सी थाली ले ली हूँ जिसके अंदर मैंने दो चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च एवरेज की यूज़ की हूँ हल्दी भी मेरी एवरेज की या आधा चम्मच के जितना ऐड की हूँ दो चम्मच यहाँ पे मैंने कलर वाली मिर्ची यूज़ की हूँ और एक चम्मच के जितना नमक है ज़्यादा मसाले मैं इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी और फिर मैंने थोड़ा थोड़ा सा ना कोकम का पानी ऐड किया क्योंकि मेरे मसाले सारे ड्राई हैं तो उसमें अगर आपको यूज़ करना है तो आप थोड़ा सा कोकम का पानी ऐड कर दें इससे बहुत ही लाजवाब सा जो मसालों में टेस्ट आता है ना वो आता है फिर अगर आपको चाहिए तो आप इसमें बिल्कुल एक चम्मच की जितना अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हो या तो स्कीप भी कर सकते हो बट मैंने थोड़ा सा फ्लेवर के लिए ना ऐड की थी फिर वापस से मैंने ना थोड़ा सा कोकम का पानी ऐड की और उसे हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर ली इससे क्या होता है ना बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं ना एक फ्लेवर आता है फिश में और मैरिनेशन भी काफ़ी अच्छा होता है अच्छा मैरिनेशन को ज़्यादा पतला नहीं करना है आपको बहुत ही हल्के हाथों से फिश को आपको मैरिनेट करना है और बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स भी करना है मैरिनेशन आप देख सकते हो मेरा ठीक है तो अच्छे से मैं हर जगह फिश में जो अपना मैरिनेशन है उसे लगा दे रही हूँ और फिश को आपको मैरिनेट करने के बाद कम से कम हाफ़ एन आवर के लिए थर्टी मिनट्स के लिए आपको रखना है अगर आपके पास तुरंत फ़्राई करना है तो भी आप कर सकते हो लेकिन अगर आप थर्टी से फोर्टी मिनट्स अगर आप इसको मैरिनेट करके रखोगे ना तो काफ़ी मज़ेदार सा टेस्ट आएगा अब यहाँ पे मैंने एक ना एक नॉन स्टिकी फ्राई पैन ले ली जिसके अंदर मैंने थोड़ा तेल ऐड कर दी ताकि जो मेरी फिश है ना काफ़ी अच्छी तरीके से एकदम तेल को ना आपको फ़िश फ्राई करने से पहले अच्छी तरीके से हीट करना है बहुत ज़्यादा भी हीट नहीं होना चाहिए यहाँ पे ना मैं दो टाइप की जो फ़िश है ना उसे फ्राई करूँगी एक मैं ना रवा ले लूँ यहाँ पे एकदम इसमें सॉल्ट वगैरह कुछ भी ऐड नहीं की हूँ एकदम सादा सा रवा है इसे एक कोटिंग करके करूँगी और मेरी मम्मा को ना रवा वाली नहीं पसंद है तो मैं मम्मा के लिए डायरेक्ट मसाले में जो है फ्राई करूँगी तो रवा की जो कोटिंग होती है ना इसमें भी आप कुछ स्पाइसेस मिला सकते हो मिक्स कर सकते हो देन उसके बाद आप इसे क्रिस्पी फ्राई कर सकते हो और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हो या तो कोई कोई कोटिंग लगा लेता है कॉर्नफ्लावर की मैदे की तो आपके ऊपर है आपकी चॉइस है आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती है कोटिंग के लिए वो यूज़ कर सकते हो बट रवा की जो कोटिंग होती है ना वो बहुत ही टेस्टी होती है इतनी क्रिस्पी बनती है जब भी आप रवा की जो फिश है फ्राई करें ना उसे थोड़ा लेट तक फ्राई करें क्योंकि जो रवा होता है ना उसे क्रिस्प होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है इसके लिए यहाँ पर जो फ़िश है वो मैं अच्छी क्रिस्पी जो है फ्राई करूँगी इसमें ना थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए मैं क्या करूँगी ना फ्रेश कड़ी लीव्स के जो पत्ते होते हैं ना उसे भी ऐड कर दूँगी और ऐड करने के बाद इसे फ्राई करूँगी तो ध्यान रहे जब भी आप मच्छी कभी भी मच्छी हो गई या जो आ, अगर आप कभी मुर्गी भी फ्राई करो तो उसमें थोड़ा सा करी लीव्स ऐड कर दे इससे क्या होता है ना बहुत अच्छा सा टेस्ट खुशबू बहुत अच्छी आती है और काफ़ी मज़ेदार सा एकदम जो टेस्ट होता है ना वो आता है तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने तीन पीस जो है विदाउट रवा ऐड की हो और तीन पीस रवे वाली ऐड की हो तो बस इससे मुझे एक साइड से सबसे पहले तो क्रिस्पी कर लेना है जब ये क्रिस्पी हो जाएगी ना तो ये खुद ब खुद आराम से एकदम टर्न हो जाएगी और अगर ये टन नहीं हो रही है तो समझ जाइए उसे थोड़ा सा और क्रिस्प होने दीजिए वरना क्या होता कैसा होता है ना आप है ना जल्दी जल्दी में फ़िश फ्राई करोगे ना तो उससे क्या होता है मच्छी फूटने लगती है और क्रिस्पी अगर जब भी आपकी फ़िश नहीं होगी ना तो वो नीचे से ब्रेक होने लग जाएगी और मेरी फिश आप देख सकते हो एक तरफ से बहुत अच्छी क्रिस्पी फ्राई हो चुकी है इसके लिए बिल्कुल भी ना ब्रेक हो रही है ना टूट रही है और काफ़ी अच्छी तरीके से क्रिस्प हो रही है और मच्छी का एक मैथड ये भी है कि मच्छी जितनी अच्छी जितनी कड़क फ्राई होगी ना उतना खाने में मज़ा आती है उतनी स्वाद देती है उतनी टेस्टी बनती है तो बस आप ध्यान रखिए जो आपकी फ़िश है वो बिल्कुल आप एकदम क्रिस्पी करें यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताई थी कि मैं कड़ी लीव्स यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा एक स्वाद देने के लिए तो यहाँ पर जो है मैंने कड़ी लीव्स को यूज़ की हूँ इस मैथड के तरीके से और फ्रेश कड़ी लीव्स हो ना तो ही आप यूज़ करें क्योंकि इसकी जो खुशबू और फ्लेवर होती है ना उसकी बात ही अलग होती है देन बस मुझे अच्छे से फ़्राई कर लेना है और इसे मैं सर्व कर दूँगी मेरी मच्छी का जो सालन है उसके साथ और जो मैंने राइस बनाई उसके साथ आप ये जो फ़िश फ्राई है ना उसे आप है ना दाल राइस के साथ भी खा सकते हो बहुत ही टेस्टी बनती है काफ़ी क्रिस्पी बनती है और यहाँ पर आप पहले ऊपर से कोटिंग एक बार चेक कर ले कि क्रिस्प हुई है या नहीं हुई है आपको इतनी क्रिस्पी चाहिए या और क्रिस्पी चाहिए एज़ योर चॉइस है तो बस यहाँ पे जो है फ़िश को मैंने अच्छी तरीके से फ़्राई कर ली हूँ अब सर्व करेंगे गर्मा गर्म अपना डिनर क्योंकि डिनर में आज मैंने फ़िश जो है बनाई हूँ आई होप गाइज़ आपको मेरी जो ये रेसिपी है आज की फ़िश की वो पसंद आई होगी एंड अगर आपको मेरा चैनल फेरी ब्लॉग अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले इन शाला इस पर ना मैं घूमते फिरते खाने के रेसिपीज़ के बहुत सारे वीडियोज़ लेकर आती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होते होंगे एंड मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती ना तो कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें तो बस यहाँ पर देख लो मैंने एक छोटी सी थाल रेडी की हूँ जिसमें मैंने क्या की हूँ ना राइस रख ली एक साइड में एंड इसके साथ ना पापड़ भी रख सकते हो बहुत टेस्टी लगता है पापड़ तो बस राइस रख ली हूँ थोड़ी सी ना मैंने जो ग्रेवी बनाई थी लाइक फिश की उसे एक बाउल में निकाली हूँ और ये देख सकते हो आप कितनी ठीक हो गई है पहले बहुत थोड़ी पतली टाइप में थी बट ये ठीक हो गई है और इससे ज़्यादा ठीक और इससे ज़्यादा पतली जो ग्रेवी ना मुझे अच्छी नहीं लगती है और फिर साथ में मैंने थोड़े से फ्राइड यहाँ पर जो है फ़िश भी रख ली हूँ ताकि एक मज़ेदार सा टेस्ट आए इसमें मैंने पापड़ रखना भूल गई थी अभी जब मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही थी ना तो मुझे याद आया कि मुझे थोड़े से पापड़ भी फ्राई करके रखने चाहिए या तो आप नॉर्मली ले लो या तो फिर आप बोलते हैं ना मतलब राइस पापड़ आते वो भी आप सर्व कर सकते हो बहुत ही टेस्टी बनते हैं बहुत ही टेस्टी सा लुक भी आता है और खाने में भी बड़ा मज़ा आता है आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी इन जल्दी मिलेंगे